उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर पुलिस ने 20 लाख रुपए के माल से भरे लूटे गए ट्रक को 10 घंटे में किया बरामद। हाईवे से 4 लुटेरों को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। NH91 सिकंदराबाद से यात्री बनकर ट्रक में सवार हुए थे लुटेरे। पहासू थाना क्षेत्र में ट्रक चालक को फैन ट्रक लूटकर भाग रहे थे लुटेरे। दिल्ली से 20 लाख रुपए के परचून का माल भरकर लखनऊ जा रहा था ट्रक। इकराम खान की रिपोर्ट। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक ट्रक जिसमें कि कुछ परचून का सामान लोड होकर जा रहा था, उसे रोककर 4 लोगों ने सवारी के रूप में उस पर चढ़े और कुछ दूर आगे जाके थाना पहासू क्षेत्र में उन्होंने ड्राइवर को बंधक बना लिया और उसके बाद फिर ड्राइवर को वहीं उतार कर वो ट्रक लेकर भाग गए। ये सूचना जब पहासू थाने पर मिली तो तत्काल पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई गई और उसके बाद कुछ ही दूर पे उस ट्रक को चेकिंग के दौरान रोक लिया गया। इसमें थाना पहासू और थाना छतारी की टीम ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया और उस ट्रक को बरामद कर लिया। साथ ही साथ उस ट्रक में जो 4 अपराधी थे जिन्होंने कि ये ट्रक छीना था, उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से कुछ अवैध असलाह बरामद हुआ है और ट्रक जिसमें कि लगभग 20 लाख रुपए का सामान था, वो सामान सहित सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ के आधार पर इन 4 अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और ये अच्छा काम करने के लिए इस पूरी टीम को जिसने कि सघन चेकिंग करके इस ट्रक को रोका, मेरे तरफ से इन्हें 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।